मेहता का उल्टा चश्मा। सैल्यूट है। नहीं नहीं गोयल साहब, ये सैल्यूट के असली हकदार तो मेरे बापूजी है और हमारे गड़ा खानदान के संस्कार है, क्योंकि मैं मेरे बापूजी का जितना आदर करता हूँ उससे कहीं ज्यादा बापूजी मेरे दादाजी जयंतीलाल गड़ा जी का आदर करते थे और मेरे पिताजी मेरे दादाजी का आदर करते थे। वाह जेठालाल भाई, आज के जमाने में पैसा बहुत जरूरी है और लोग पैसों के पीछे भागते भी हैं और इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन जेठालाल पैसों से भी बढ़कर कीमती है परिवार का प्यार, संस्कार जो तुम्हारे पास है। थैंक यू गोयल साहब, थैंक यू सब बापूजी की वजह से। और सुन बेटा, ये तेरा जो 1 रुपया है ना वो मैं तुझे वापस नहीं करने वाला हूँ, इसे मैं संभाल के रखूंगा क्योंकि ये मेरे लिए सिर्फ 1 रुपया नहीं है बल्कि जेठिया का मेरे प्रति प्यार और सम्मान। समझा गोयलिया? मुझे गोयल साहब हाँ पता है गोयलिया। अरे रहने दो जेठालाल, गोयलिया चाचा जी से थोड़ी सी मुलाकात के अंदर ही मुझे यहाँ पर अपनापन मिला, मेरे पिताजी का प्यार मिला, मुझे बड़ा मजा आया चाचा जी के साथ रहकर। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। अरे क्या गोयल बेटा, इसमें थैंक यू थोड़ी होता है। देखा जेठालाल, चाचा जी की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इन्होंने मुझे मैं पैसे वाला हूं ये समझकर नहीं देखा बल्कि चाचा जी ने मुझे अपना समझ के मान इज्जत दोनों दी। थैंक यू चाचा जी। बापूजी जितना प्यार सेठ जी को करते हैं उतना ही मुझे और मगन को भी करते हैं। क्यों मगन? और हाँ जेठालाल, अरे भाई ये रजवाड़ी चाय और नाश्ता करके तो बड़ा मजा आ गया, 5 स्टार होटल में भी इसका स्वाद नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और चाचा जी के साथ गांव की सारी बातें सुनकर मुझे मेरा अपना बचपन याद आ गया। गोयल बेटा, तुझे जब भी बच्चा बनना हो ना मुझसे मिलने आ जाना। हाँ हाँ चाचा जी जरूर आऊंगा। और जेठालाल तुम्हारे बचपन की वो नाड़े वाली चड्डी, उसकी बात तो बड़ी जोरदार थी। कौन सी बात? अरे वही आपके बचपन वाली बात, जब एक बार आप रूठ गए थे और केशव चाचा की शादी में केवल नाड़े वाली चड्डी पहनकर चले गए थे। नहीं नहीं मैडम, वो तो तभी मैं 10 साल का छोटा बच्चा था। बाबूजी अरे ठीक है ना, ठीक चलो गोयल बेटा तुम और जेठिया धंधे की बात करो, मैं घर जाता हूँ। और तुम्हें जब भी वक्त मिले ना घर पे आ जाना, ठीक है? खूब गप्पे लड़ाएंगे। हाँ चाचा जी मैं आपके घर जरूर आऊंगा। भाई आपको मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अपने पिताजी की याद आती। थैंक यू सो मच चाचा जी। चल जेठिया। बापूजी घर जाते ही आपको मोबाइल चार्जिंग पर रख देना। हाँ जा बापूजी के लिए रिक्शा लेके आजा। जी अरे नहीं नहीं रहने दे, मैं तो छोड़े छोटा बच्चे को मैं चला जाऊंगा। और तू चिंता मत कर, मुझे ना बाघा ने बाघा का और तेरा दोनों का नंबर कागज पे लिख के दिया है मेरे को। चलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बापूजी, जय जिनेन्द्र। चल चल संभाल के जाना बापूजी। हाँ जेठालाल मेरे पिताजी भी मुझे ऐसे ही डांटते थे। अच्छा आज यहाँ आकर मजा आ गया। थैंक यू गोयल साहब, थैंक यू। बाका मगन ये सब जरा हटा दे। गोयल साहब बैठे ना, हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं। नहीं पर कैसी मीटिंग भाई? अरे भाई जो मीटिंग का टाइम था वो तो खत्म हो गया। मेरी तो अब तक की सबसे बेस्ट मीटिंग चाचा जी के साथ हो गई और बाकी तुम्हारे साथ बिजनेस की मीटिंग नहीं करनी है मुझे। अरे भाई हमारे नए रिसोर्ट का ऑर्डर तुम्हारे पास ही है। थैंक यू गोयल साहब, थैंक यू। तो एक बार जरा रेट फाइनल कर ले, क्या क्या बाद में फिर कोई गलत फहमी ना हो। हाँ। अरे नहीं जेठालाल, कोई गलत फहमी नहीं होगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पिताजी ने जो तुम्हें संस्कार दिए हैं, उसको देखते हुए तुम कभी कोई गलत काम करोगे ही नहीं। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है, तुम जो भी रेट लगाओ वो रिजनेबल ही होगा। अरे रिजनेबल मतलब मेरा जैसा रेट पूरा मार्केट में कोई नहीं दे पाएगा। और रीना, फ्यूचर में हमारे सारे ऑर्डर्स जेठालाल को ही जाने चाहिए। श्योर, बिल्कुल। थैंक यू गोयल साहब, थैंक यू, थैंक यू। भाई जेठालाल, आज मजा आ गया। और जब भी मेरी ऑफिस आओ, चाचा जी को साथ में लेकर आना। अगर चाचा जी तुम्हारे साथ नहीं आए तो तुम्हारी भी एंट्री नहीं होगी। पक्का पक्का पक्का। चलो फिर मिलते हैं। ओके ओके। अरे गोयल साहब, ये गुलदस्ता आपके लिए खास मंगाया है। हाँ। ओके, आइए आइए। अरे नहीं जेठालाल, ये छोड़ने आने की फॉर्मेलिटीज मत करो, हम लोग चले जाएंगे। अरे और ओके ओके मैडम, ओके, थैंक यू थैंक यू। सेठ जी, सेठ जी मुबारक हो, ऑर्डर मिल गया। Hey, congratulations and celebrations. गोयल साहब का ऑर्डर हमको मिल गया। ऑर्डर मिला है बापूजी की वजह से, बापूजी नहीं होते तो ऑर्डर नहीं मिलता। बिल्कुल सही। Congratulations and celebrations. गोयल साहब का ऑर्डर हमको मिल गया। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप चाबी के बारे में? आप गोडाउन जा रहे थे चाचा जी के साथ, तभी ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका, आपको फाइन भरना पड़ा, बहुत सारा हंगामा हुआ, इसके बारे में ही सोच रहे हैं ना? नहीं माधवी, एक्चुअली मेरे लिए ना वो दिन गया बात गई ऐसी बात है, मैं वो हंगामा याद नहीं रखता। और वैसे भी गड़ा परिवार के साथ हुए हंगामे अगर मैं याद रखने लगा ना तो मेरा सर चकरा जाएगा। फिर क्या सोच रहे हैं आप? तुम क्या सोच रही हो? यही कि आप क्या सोच रहे हो। आप मुझे बता नहीं रहे हो ना कि आप क्या सोच रहे हो, तो मैं ये सोचने बैठी कि आप क्या सोच रहे होंगे। वो सब इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है माधवी, और मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ। तो मुझे सोनू की याद आ रही है। सोनू? प्लीज सोनू। तो और कितनी सोनू है? अरे मतलब 2 दिन के लिए तो गई है खंडाला कैंप, परसों आ जाएगी। उसमें इतना गहन विचार वगैरह काय को भाई, कमाल है। पता है माधवी, लेकिन सोनू के बगैर ना पूरा घर ऐसे सूना सूना लगता है। वो होती है तो घर में कैसे चहल पहल होती है। रात को खाना खाने के बाद हम लोग ऐसे साथ में बैठ के गप्पे मारते है, दिन भर में क्या हुआ वो सब शेयर करते है। फिर वो मुझे ऐसे प्यार से गले लगकर शुभरात्रि बाबा कहती है ना, वो एकदम ऐसे सुकून लगता है, चैन की नींद आती है मुझे। फिर खरे खरे बेटियां होती है घर की रौनक। तो मुझे एक बात बताइए, वो अभी 2 दिन के लिए घर के बाहर गई है तो आप ऐसे इतने व्याकुल हो रहे हो? वो हमेशा के लिए ससुराल जाएगी तब क्या होगा आपका? सोनू ससुराल नहीं जाएगी। ओके भाई, मैं घर जमाए रख लूंगा। और जमाई को घर जमाई नहीं बनना होगा तो मैं गोकुलधाम सोसाइटी में और एक फ्लैट खरीद लूंगा और उसको अपने नजरों के सामने रखूंगा। और उसको यहाँ नहीं रहना होगा तो? मी काय म्हणते, इससे अच्छा गोकुलधाम में जमाई ढूंढ लीजिए ना। सोनू हमेशा के लिए नजरों के सामने रहेगी। नजरों के सामने रहेगी करके वहाँ पे क्या हाथ दिखा रही हो? नहीं वहाँ मतलब अरे पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की बात कर रही हूँ मैं। क्या बोल रही हो तुम माधवी, बोलने से पहले कुछ सोचती हो तुम कुछ? तो क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या माधवी, हमारी सोनू के लिए गोकुलधाम सोसाइटी से जमाई ढूंढूंगा मैं? गोकुलधाम सोसाइटी में है कोई हमारे सोनू के लायक? अभी टप्पू का नाम मत देना। मैंने लिया ही नहीं, आपने ही लिया टप्पू का नाम। नहीं खाली बता रहा हूँ मैं। और वैसे भी टप्पू और सोनू की कोई जोड़ी नहीं है। अरे कहाँ मेरी सोनू और कहाँ टप्पू। और एक बात, ये सोनू जो अभी टप्पू के साथ कैंप गई है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 1 मिनट, सिर्फ टप्पू और सोनू नहीं गए, पूरी टप्पू सेना साथ में गई है। टप्पू सेना हमेशा साथ में होती है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे कैसे ना करूं, वो टप्पू सेना में टप्पू भी तो है ना। अरे कहाँ मेरी सोनू इतनी संस्कारी समझदार और कहाँ टप्पू गैर जिम्मेदार और बेशिस्त। काई बेशिस्त वगैरह नहीं है, टप्पू भी समझदार है। ओ वकील साहबा, टप्पू की इतनी वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो आपको टप्पू और सोनू की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। अरे कैसे ना करूं माधवी, सोनू मेरी बेटी है। हाँ तो वो मेरी भी बेटी है, लेकिन मैं बेवजह उसकी चिंता नहीं करती बैठती हूँ। और पूरी टप्पू सेना समझदार है, वो हमेशा एक दूसरे का साथ देती है। बस बस, टप्पू और टप्पू सेना की इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है माधवी। ठीक है, वो सोडा आपको सोडा पीने नहीं जाना है, आपके दोस्त लोग पहुंच रहे होंगे वहाँ। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाए, मैं भी जाता हूँ सोडा पीने। अच्छा हाँ, सोडा पीकर सीधा घर पे ही आना। हाँ मतलब सोडा शॉप के बाद नाइट आउट करने मुंबई के गलियों में घूमने मत निकलना। आज मैं आधी रात को आपके लिए दरवाजा नहीं खोलने वाली हूँ। आज मैं आधी रात को दरवाजा नहीं खोलूंगी मतलब? हाँ क्या बोल रही हूँ माधवी, पर मैं कोई शहंशाह थोड़ी हूँ जो मैं अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर मुंबई की गलियों में भटकने निकलूं। लेकिन मेरे लिए तो आप मेरे शहंशाह ही हो ना। आप मेरे शहंशाह और मैं आपकी। इस शहंशाह की वाइफ को क्या बोलते हैं? शहनाई। नहीं नहीं, शहंशाही ऐसे लाओ। नहीं शहनाई से नहीं, शहंशाह शहनाई का सहर गायत्री, शहंशाही। दोस्तों आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर मुझे मिला है, तो अब्दुल आज की सोडा पार्टी मेरी तरफ से। वाह, दिल खुश कर देता। अरे वाह वाह, देखा भाई, भगवान करे आपको रोज ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर मिलते रहे और आप हमें ऐसे सोडा पार्टी देते रहे। वाह 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 वाह। अब्दुल भैया मुझे फर्स्ट क्लास डबल मसाले वाली सोडा पिला। डबल मसाला? पोपटलाल सोडा बहुत खारा नहीं हो जाएगा? पता है, लेकिन आज वो मीठा थोड़ा ज्यादा खा लिया था। अरे वाह, क्या खाया? वो रबड़ी में जलेबी को डुबो डुबो के खाया तो मुंह थोड़ा ज्यादा मीठा हो गया। हाँ नहीं फिर ठीक है। और किसको किसको डबल मसाला वाला सोडा चाहिए? मेरे को, लेकिन डबल मसाला नहीं, डबल नींबू। डबल नींबू? यार भाई सोडा बहुत खट्टा हो जाएगा। हाँ मालूम है, लेकिन मेरा खट्टा पीने का बहुत मन है। मुबारक हो यार भाई, मुबारक हो। सोडे पेट पे मत मार भाई। लेकिन ये तो मैं मुबारक क्यों? अरे आपको खट्टा पीने का मन हो रहा है, मतलब ये तो गुड न्यूज हुआ ना। पोपटलाल ये ना मौका या जोक्स अड़ी की रिंगे। अरे वाह, देखो कंफर्म भी कर रहे हैं। पोपटलाल कंफर्म किया? मैं तमिल में बोला कि क्या फालतू का जोक मारता है। अरे जोक जोक होता है भाई, तो फालतू क्या। हाँ मेरे को तो बिल्कुल हंसने को नहीं आया। सॉरी। इट्स ओके, इसमें सॉरी क्यों बोल रहे हो? अरे अब्दुल तुम थोड़ा देओ ना। कूल डाउन यार, कूल डाउन कूल। आज का मसालेदार सोडा जेठा भाई की तरफ से। पिड़ू, आज तेरे और जेठाप्रा के साथ कोई गड़बड़ हुई ना, वो क्यों है दस्ता? कुछ नहीं सोड़ी, तुम तो जानते हो ना, जहाँ पे गड़ा परिवार होता है वहाँ पे गड़बड़ और परेशानी ना हो, ऐसा हो सकता है? तो मेरा सोडा पी के मेरी बुराई कर रहा है, पर मैं तुझे पहले ही थैंक यू और सॉरी तो बोल चुका हूँ ना दोस्त, फिर भी यार तू बुराई कर रहा है मेरी। अरे मैं बुरा ही नहीं कर रहा हूँ जेठालाल, मैं तो नॉर्मली बोला। अपन नॉर्मली भी ऐसा क्यों बोला कि भाई जहाँ गड़ा परिवार हो वहाँ परेशानी और गड़बड़ ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, अगर तुझे गड़ा परिवार से इतनी तकलीफ हो रही है तो गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ दे भाई, किसी और सोसाइटी में जाकर रहे। क्या बोल रहे हो जेठालाल? ओ जेठालाल, आज बार हम गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर क्यों जाएगा? सबको तुम्हारे से प्रॉब्लम है तो सोसाइटी छोड़कर तुम जाओ। सबको? एक मिनट, मेहता साहब आपको तपलेगा? अरे कैसी बात कर रहे हो? पोपटलाल नहीं, छोटी नहीं, आतिफ भाई, अब्दुल नहीं, नहीं। देखो किसी को तकलीफ नहीं है गड़ा परिवार से, खाली आपको और ये भिड़े को, तो आप दोनों सोसाइटी छोड़ के जाओ भाई। अरे हम क्यों जाएगा? हाँ हमसे भी किसी को कोई तकलीफ नहीं है। पोपटलाल नहीं है, थोड़ी नहीं, हाँ आती भाई नहीं, अब्दुल ना जरा भी नहीं। मेहता साहब क्या मेहता साहब यार, भिड़े हम लोग क्यों आते हैं सोडा शॉप पे? हम सोडा शॉप पे सारे दोस्त इसलिए आते हैं दिन भर की थकान, दिन भर की चिंता और तनाव भूल जाएं और मन और माहौल को हल्का करें सोडा पी के। और तुम कहाँ छोटी सी बात को इतनी बड़ी कर रहे हो यार, राई का पहाड़ बना दिया। राई का पहाड़ मैंने नहीं बनाया, आपके परम मित्र ने बनाया है। जेठालाल तुम भी इतनी छोटी सी बात को कहाँ इतना विस्तार दे दिया तुमने, इतना बड़ा कर लिया इस बात को। अरे मेहता साहब शुरुआत किसने की? भिड़े को क्या जरूरत थी ऐसा बोलने की कि जहाँ गड़ा परिवार हो वहाँ गड़बड़ और परेशानी ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? अभी ऐसा बोलेगा तो बुरा तो लगेगा ना। ये तो है। देखो जेठालाल तुमको बुरा लगे इसलिए मैंने नहीं बोला था, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। हाँ बुरा लगा हो तो? अरे भाई बुरा लगा है तो सॉरी। अरे चलो भाई अभी सॉरी सौरा हो गया है तो सोडा सोडी कंटिन्यू करते हैं। जेठालाल ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें भिड़े को थैंक यू और सॉरी कहना पड़ा? हाँ कुछ नहीं, छोड़ा ना भाई अभी। अरे क्या हुआ पोपटलाल? जेठा है ना गोडाउन की चाबी भूल गया है और उसकी 11 बजे है ना बहुत बड़ी मीटिंग है, तो तू मुझे सरदार चौक छोड़ देगा, वहाँ मुझे भागा मिलेगा, उसे गोडाउन की चाबी देनी। जेठालाल चाचा जी सरदार चौक के लिए कब के निकल गए? कब के निकल गए मतलब? हम दोनों साथ में थे जेठालाल, लेकिन अभी साथ में नहीं है। आज 11 बजे मेरे बेटे की गोडाउन में मीटिंग है, गोडाउन की चाबी मेरे पास है। आप चाबी लेकर जाइए, शिक्षक महोदय को यही रुकना पड़ेगा। अरे वो सरदार चौक नहीं पहुंचा, मेरी अभी बागा से बात हुई, वो कब से बापूजी को ढूंढ रहा है। मैं अभी सरदार चौक जाता हूँ और चाचा जी को ढूंढता हूँ। तो फिर मैं भी सरदार चौक आता हूँ, ठीक है? एक काम करते जेठालाल, हम तीनों मिलकर चाचा जी को ढूंढते हैं, वो हो ना हो सरदार चौक में ही होंगे। मिले बापूजी मिले? नहीं चाचा जी नहीं मिले जेठालाल, लेकिन उनके बारे में पता चला है कि वो सरदार चौक आए थे। हो सकता है चाचा जी घर पे चले गए हो। जेठिया बापूजी बापूजी हमारे नए रिसोर्ट का ऑर्डर तुम्हारे पास ही है। कैसा हुआ? हे भगवान, आज एक ही दिन में भिड़े मास्टर, जिंदा भाई, चाचा जी, बागा, इन सब पे क्या क्या बीती। ओ यारो जो हुआ सो हुआ, वो कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। ओ जेठा ब्रा डील दिया, लख लख बधाइयां भाई, मुबारक। जेठालाल तुमको इतना बड़ा ऑर्डर मिला और तब दोस्तों को सिर्फ एक सोडा पिला रहे हो। चलो ठीक है, एक नहीं 7 सोडा पिलाता हूँ। नहीं 7 भी नहीं, 14। अब्दुल आज से एक हफ्ते तक मेरे सब दोस्तों को 2-2 सोडा रोज पिलाना। हाँ क्यों नहीं? थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। वाह वाह क्या बात है जेठालाल चंपकलाल गड़ा यांचा। तो दोस्तों खुशी का माहौल है, तमाम मेहनत मशक्कत के बाद जेठालाल को आखिरकार गोयल का ऑर्डर मिल गया। अगर आपकी नीति शुद्ध हो, व्यवहार साफ हो, तो फिर रास्ते में चट्टान की तरह मुसीबत भी आए ना तो सुरंग की तरह रास्ता निकल आता है। वैसे ये सारी बात समर्पित है उन मोबाइल ऑपरेटर्स को जिनके कॉल ड्रॉप हो जाते हैं, नेटवर्क गायब हो जाते हैं, बात नहीं हो पाती। अगर उनमें सुधार होगा तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है। तो जेठालाल को ऑर्डर मिलने की खुशी में इस वक्त तो हम सोडा शॉप पे जश्न मना रहे हैं, आनंद के क्षण हैं हम सब लोगों के लिए। लेकिन आप जानते हैं ये गोकुलधाम है। आनंद के क्षण कितनी देर टिकेंगे कौन जाने, क्योंकि जेठालाल की कुंडली भाई, जेठालाल और टेंशन का साथ तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दो बैलों की जोड़ी हो, जैसे दो जूतों की जोड़ी हो, जैसे कुर्ते के साथ दुपट्टा होता है, जैसे रेल की दोपटरियां साथ चलती है, ठीक वैसे ही जेठालाल की जिंदगी में टेंशन हमेशा साथ चलता है। एक टेंशन तो दूर हो गया, लेकिन अब कौन सा नया टेंशन इंतजार कर रहा है, इसके लिए आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.